खबरों में बने रहने के लिए सब्सक्राइब जरूर कीजिए और ले चलते हैं आपको आज की ताजा खबरों की ओर। खबर उत्तराखंड से। युवाओं का मुजरिम धन सिंह रावत। शिक्षा मंत्री उत्तराखंड सरकार ने उत्तराखंड के युवाओं के साथ घोर अन्याय किया, धोखा किया। उत्तराखंड मुक्त विश्वविद्यालय में अवैध नियुक्तियां की गई, गलत तरीके से नियुक्ति की गई है। यह सीधा सीधा उत्तराखंड के युवाओं के साथ अन्याय है। उसी को लेकर आज रानीपुर विधानसभा में कार्यकर्ताओं ने बीजेपी सरकार का पुतला फूंका। आम आदमी पार्टी उत्तराखंड के युवाओं के साथ यह अन्याय नहीं होने देगी, इसका बढ़ चढ़कर विरोध करेंगे। भाजपा सरकार पीछे के दरवाजे से अपने रिश्तेदारों को सरकारी नौकरियां दे रही, नियुक्तियां करा रही, जहां पर हमारे युवाओं को यह अवसर मिलना चाहिए था। गरीब परिवार के लड़के लड़कियों को मौका मिलना चाहिए था। आगामी चुनाव में युवा ही भ्रष्ट बीजेपी की सरकार को उखाड़ फेंकेंगे। जैसा कि आप सभी साथी अवगत होंगे कि हमारे उत्तराखंड में भारतीय जनता पार्टी युवाओं को रोजगार के नाम पर भ्रष्टाचार कर रही। उत्तराखंड के विधायक धन सिंह रावत के द्वारा अभी कुछ समय में जो भर्तियां की गई, उनमें भ्रष्टाचार का आरोप लगा है और इस भ्रष्टाचार को उजागर होने के बाद माननीय राज्यपाल उत्तराखंड में भी संदेह जताती हुई जांच की बात कही। सुप्रीम पावर न्यूज के लिए उत्तराखंड से संजीव ठाकुर की रिपोर्ट। उत्तराखंड में शोर है, धन सिंह रावत चोर है। उत्तराखंड में शोर है, धन सिंह रावत चोर है।